हाथ दो मुझे अपना लड़की। आंटी कोई काम था? नहीं बेटा, सारे काम तो तुम ही कर लेती हो, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती हो। मेरे होते हुए आपको काम करने की क्या जरूरत है? शुक्रिया बेटा, तुम तो मेरा इतना ख्याल रखती हो जितना मेरी सगी औलाद मेरा नहीं रखती। कैसी बातें लेकर बैठ गए आप, मेहमान आने वाले हैं, आपकी बात हुई उनसे? हाँ, समिया से बात हुई है, वो कह रही थी कि बस निकलने वाले हैं। अच्छा, मैं फिर देख लेती हूँ लीजिए। अच्छा हाँ, एक बात कहनी थी बेटा तुमसे। जी। वो शादी वाले दिन तुम्हारे घर वालों ने अशर को एक अंगूठी दी थी ना, वो तुम्हारे पास है? जी, मेरे पास ही है। अच्छा, वो दरअसल मुझे चाहिए। मैं अपनी बीमारी में ना मार्केट जा ही ना सकी कि होने वाले दामाद के लिए कुछ ले लेती। अब देखो ना, उन लोगों ने भी एंड टाइम पे कह दिया कि वो अलीजे को अंगूठी पहनाने आ रहे। अब मैं तो खाली हाथ दामाद को वापस नहीं भेज सकती ना। ऐसी कोई बात ही, मैं देती हूँ आपको। इसी में? हाँ जी, इसी में। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने तो मेरी इज्जत रख ली। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ना बिल्कुल ऐसी अंगूठी ना अशर से कह के बनवा दूंगी। चलो बस नीचे आ जाओ और अलीजे को भी कह दो जल्दी से तैयार होकर आ जाए, आने वाले होंगे मेहमान। कहाँ है ये सालिहा नाम की औरत? आज तो मैं उससे दो टोक बात करके ही जाऊंगी। आप आराम से बात करें, अंदर मेहमान है आपके। दर क्या आंटी, मेरी बात सुने कहाँ? रुके, कौन लोग हैं? अच्छा हुआ है मेहमान आए हुए, अब तो अपनी बात मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ। कौन है ये औरत? सालिया बहन, तुम यहाँ क्या करने आई हो? अब तुम्हारा यहाँ क्या काम है? आई तो मैं तुम्हें सबक सिखाने थी, लेकिन अच्छा है ना, मेरे यहाँ आने से इन बेचारों का भी कुछ भला हो जाएगा जो तुम्हारे फरेब के जाल में फंसने वाले। सालिया बहन, कौन है ये औरत? ये बस वो पड़ोस में रहती हैं। बस बंद करो, जाओ यहाँ से, लेके जाओ उसको यहाँ से, जाओ यहाँ से, दफा। प्लीज आंटी, प्लीज ना। खामोश हो। मैं इनकी बड़ी बेटी फरीन की सास हूँ। इनकी बेटी ने मुझ पे और मेरे बेटे पे झूठे इल्जाम लगाए और घर से सारा सामान और जेवर लेके अपनी माँ के घर भागकर आ गई। बहुत ही कोई नीच लड़की है वो तो शुक्र है हमने तलाक देके उससे अपनी जान छुड़ा ली, लेकिन पता चला है कि वो माँ के घर से भी भाग गई है और अपने पुराने आशिक से शादी कर ली है उसने। ये है नौ की असलियत,
जो इस वक्त पारसा का रूप धार करके ना अपनी बेटी का रोग आपको तोहफे में दे रही है। अरे मैं तो कहती हूं बहन, बचाएं अपने बेटे को और दूर रखें इनकी बेटी से। क्यों झूठ बोल रही हो? हाँ शर्म नहीं आती? झूठ बोल रही है ये, मैं बता रही हूं आप लोगों को, झूठ बोल रही है, जाओ यहां से। झूठ बोल रही हूं मैं? हाँ झूठ बोल रही हो, लेके जाओ ये यहां से, निकलो यहां से, जाओ छोड़ कर उसको। सुने आंटी प्लीज प्लीज प्लीज, झूठ बोल रही है ये, बस ऐसी पागल सी है। हाथ दो मुझे अपना लड़की। देखिए वो औरत झूठ बोल रही थी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। अभी भी आप कह रही हैं कि मैं आपकी बातों का एतबार कर लूँ? इतना सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। ठीक है मैं आपकी बात का एतबार कर लेती हूँ, क्या आप अपनी बड़ी बेटी को यहाँ बुला सकती हैं? वो यहाँ आए और इस औरत की कही तमाम बातों को झुटला दे। नहीं ना, क्योंकि आपने तो कहा था कि आपकी बेटी आपके भाई के यहां गई हुई है। उठो, खुदा का शुक्र है हम इन फ्रॉड लोगों में फंसने से बच गए। वो तो भला उस नेक औरत का जिसने सही वक्त पे आके हमारी आंखें खोल दी। जैसे बड़ी वैसी छोटी। आप प्लीज एक बार बैठकर हमारी बात तो सुन लें, आपको गलत फहमी हुई है, वो तो गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कह गई है, पर हकीकत ये नहीं है, प्लीज बैठ जाएं, हम बैठकर बात करते हैं। बीबी मैं क्या आपको शक्ल से पागल दिखाई दे रही हूँ? इतना सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो गया और आप कह रही हैं कि मैं आपकी बात का एतबार करूं? और तुम जिस तरह के फ्रॉड रिश्ते तुम करवा रही हो ना, तुम्हारा तो मैं खूब बंदोबस्त करूंगी। तुमने जानते बूझते मेरे बेटे को कुएं में धकेलने की कोशिश की, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चलो यहां से। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात सुनो। तुम लोगों की वजह से जो मेरी साख पर धब्बे लगे हैं ना, तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी।